तो आप लोगों ने अपने सवाल करें जो भी आपके जहन में है सवाल। ठीक है, सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है गिग डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। सर वो आपने मुझे क्लास 7 सजेस्ट की थी और मेरी क्लास रह गई थी, तो सर वो मैंने देखी तो मेरा कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर नहीं हुआ। उसमें से जो एआई गिग है ना, वो गिग डिस्क्रिप्शन वो एआई से किस तरह लिखूं, वो मुझे अभी भी ठीक समझ नहीं आ रही, थोड़ा वो मुझे बता दें। स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी सर, स्क्रीन से हो रही है मुझे। नेट ना आज भी काफ़ी स्लो है, पता नहीं इन्होंने क्या किया है नेट को। सर वो पता नहीं कलर है। अच्छा, इसका मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो अपने कीवर्ड जो सर्च करेंगे ना, तो कीवर्ड सर्च करके हमने जितने भी कीवर्ड्स अपने इकट्ठे किए होंगे उन्हें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे राइट एंड ऑप्टिमाइज्ड फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर, यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा आई विल प्रोफेशनल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फीड पोस्ट्स। ठीक हो गया। अच्छा, यूजिंग कीवर्ड्स जो हमने सर्च किए होंगे, एक आ जाएगा आपका जी फेसबुक पोस्ट। ये इसको कॉमा में कर देते हैं। उसके बाद फेसबुक पोस्ट के बाद आ जाएगा जी आपका इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन जाएगी आपके इंस्टाग्राम फीड फेसबुक सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसे जो है ना वो एक और कमांड ये देंगे लिमिट द टोटल लिमिट द टोटल वर्ड्स टू 1000 टू 11। ठीक हो गया। 1000 टू 1100 जो है ना वो इसको लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स को, क्योंकि हमारे जो है
1200 जो वर्ड्स हैं वो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन उसमें हमें 1180 के तरीके करीब जब हम जाते हैं ना तो वो हमें रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो मतलब के बीच में जो आपके करेक्टर्स होंगे वो स्किप करना शुरू कर देगा, आप लिखेंगे भी तो पिछले वो करेक्टर साफ करता जाएगा। 1000 टू 1100 हमने कर दिया, और हम लिखेंगे एक और यूज वाई मी सेक्शन। ठीक हो गया, ये इसमें डिस्क्रिप्शन जो ना ये लिख दिया आपको। ये FAQ भी उसकी लिख दी है, ठीक है। ये इसने टैग्स भी दे दिए आपको, ये वही टैग्स हैं जो हमने यूजिंग कीवर्ड्स लिखा था ना, ये इसने नीचे शो करा दिए इसको, ये टैग्स में डाल दिए। उसके अलावा जो है वाई मी सेक्शन जो है ये आ गया, ठीक है। इसमें आपने इसको जो है प्रिसाइज करना है, ठीक है, मतलब कि इसको शॉर्ट भी करना है और टू द पॉइंट भी करना है इसको। अच्छा, ये हमने लिख दिया तो इसके बाद हमें कोई ह्यूमनाइजर यूज करने की जरूरत है क्योंकि वो डिटेक्ट ना कर सके हमें। नहीं, फाइबर फाइबर डिटेक्ट इस तरह नहीं करता उसमें, ये जिस तरह पोस्ट डिज़ाइन करते हैं ना, ये मतलब कि आर्टिकल पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें तो ये होता है ना कि हमें देखना होता है कि ये डिटेक्ट ना करे गूगल के ये या कहीं से कॉपी राइटेड है। तो यहाँ सिर्फ होता है कि जब हमने यहाँ से डाटा कॉपी करना है ना, इसको मज़ीद मतलब कि प्रिसाइज भी करना है, राइट इट इन मोर प्रिसाइज ठीक है। ये कुछ और अंदाज में लिखेगा और इसको कुछ शॉर्ट करेगा, ये नेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से ना ये मतलब कि इतना जो ना टक टक के इसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो वैसे आप इसको जो कमांड देते हैं ना, ये जस्ट इन सेकंड में जो है ना ये वर्किंग करता है। और ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बताया कि जो गिग का जो सेक्शन है FAQ का, उसमें लिखने यहाँ पे मतलब कि ये गिग में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू विल गेट, ठीक है, ये यहाँ पे जो हम दे रहे हैं व्हाट आर यू ऑफर, ठीक है, ये सेक्शन यहाँ आ गया है। अगर इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आप ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर देंगे, और कोशिश करनी है कि इसमें राउंड अबाउट जो ना कोई 4 से 5 टाइम जो है ना वो एक वर्ड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर डिज़ाइन का वर्ड है तो डिज़ाइन का वर्ड जो है वो बार बार नहीं यूज़ करना, ठीक है, वो आपने 4 से 5 मरतबा जो है ना वो बस अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह जो है वो फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, वो बार बार यूज़ नहीं करना है, कहीं फेसबुक का यूज़ करना है, फिर इंस्टाग्राम करना है, कहीं सोशल मीडिया उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप ये जो वाई चूज मी का सेक्शन है, ठीक है, इसमें आप मेन हेडिंग्स को भी लेके चल सकते हैं, या अगर इसको आपकी इनकी इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, आप सीधा आप लिखते हैं जी एक्सपर्ट सोशल डिजाइनर,
ठीक है, एक्सपर्ट सोशल मीडिया डिज़ाइनर, या आप लिखते हैं कि एक्सपीरियंस सोशल मीडिया डिज़ाइनर, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं यूनिक सोशल मीडिया डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद फास्ट टर्न अराउंड हो गया, उसके बाद जो ये अनलिमिटेड विजन है, प्रोफेशनल क्वालिटी है, ठीक है, और अफोर्डेबल प्राइसिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं VIP सपोर्ट 24/7, ठीक है। 24/7 का मतलब होता है कि 24 घंटे और सातों दिन, यानी वीक के सातों दिन, तो इस तरह होती नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए सपोर्ट देते हैं कि किसी भी टाइम क्लाइंट जो है हमसे रबता कर सकता है, ठीक है, वो दिन हो या रात हो, ठीक है, हमें वो मैसेज कर सकता है, तो हम उसे उसी टाइम नहीं, लेकिन कोशिश करके जितना फास्ट हो सके हम उसे वो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी रिलायबिलिटी उसे होती है कि यार 24 घंटे, यानी कि इन्होंने सर्विस दी कि आप जो किसी भी टाइम जो कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना जो भी क्वेरी होगी वो क्लियर करवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने जब लिख लेनी है ना, आपने अपनी जो गिग्स के ऊपर आपने इसको पोस्ट कर देना है, तो वहाँ भी आपने सेटिंग फिर करनी है, एडिटिंग करनी है थोड़ी सी, इसको टैक्स को आगे पीछे करना है, ठीक है। उसमें कॉपीराइट ये होता है कि फाइबर पे कॉपीराइट ये है कि आपकी जो फाइबर की गिग के ऊपर ना जो आपने टेक्स्ट लिखा है, चाहे किसी गिग से भी देख के लिखा है ना, तो हूबहू वो ही ना हो, ठीक है। तो आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट करने के बाद जो है ना उसे कुछ एडिटिंग करनी है, उसमें कुछ अपना कोई फिक्रा लिख दिया, या उसको जो है वो टेक्स्ट के ऊपर नीचे थोड़ा किया, या बोल्ड कर दिया, या उसको एडिटिंग कर ली थोड़ी सी, तो उसमें टेक्स्ट को वो नहीं देखता इतना ज़्यादा, वो देखता है कि किसी जगह से कॉपी करके और उसको पेस्ट करके और सेव कर दिया, ठीक है, ये कॉपी राइट है उसमें। उसमें फाइवर में ये नहीं कि किसी का अगर टाइटल पूरा का पूरा उठा के आप रख लेते टाइटल अपना, तो वो आपका कॉपीराइट में नहीं आएगा, लेकिन उसमें आपने टाइटल कॉपी करने के बाद उसमें थोड़े वर्ड्स आगे पीछे करने हैं, उसको काटना है थोड़ा सा, मतलब कि जितने करेक्टर्स कट करके वहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है आई विल डिज़ाइन, तो आपने आई विल क्रिएट आपने लिख दिया, बाकी सारा आगे जुमला वही है, ठीक है। इस तरह थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और फिर वो कॉपीराइट नहीं होगा। ठीक है सर, मुझे आ गई समझ। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि उसमें आपने जिस भी कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं आप, ठीक है, वहाँ पे 4 से 5 जो है ना वो आपने गिग्स ओपन कर लेनी है, और उनको उनके ऊपर जो है ना वो आपने गिग्स में से देखना है कि उसने क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है वो चुनना है, ठीक है। उसके अलावा जो है जो कीवर्ड्स उन्होंने यूज़ किए उसमें कौन से कीवर्ड्स हैं जो उन्होंने मतलब सही उन्होंने यूज़ किए हुए, ठीक है, आपस में वो मतलब कि सेम, वो हर गिग में वो कोई इस तरह का कीवर्ड होता है कि वो हर गिग ने जो है ना वो अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, उनके गिग टैग्स में शामिल है, उन टैग्स में से आपने जो है ना वो टैग्स लगाना है, ठीक है, जो सिमिलर टैग्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने टाइटल जो है सब टाइटलों को देख के और उन टाइटलों से अपना टाइटल बनाना है, और डिस्क्रिप्शन में चाहे आप ChatGPT से लिखवा लें, चाहे खुद से अगर लिखनी है तो उसमें 3 पोर्शन रखने होते हैं। एक पोर्शन में आपने जो है वो क्लाइंट को बताना है कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, मींस टू से कि आप मतलब कि ये गिग किस बारे में है। उसके बाद सेकंड पोर्शन आ जाएगा जहाँ पे आप लिखेंगे कि आप किस तरह उनको सोल्यूशन दे रहे हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा था कि सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन है, इंस्टाग्राम फीड है, और इस तरह सब हम लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोर्शन जो है, थर्ड पोर्शन के अंदर आपने अपना अपना बताना होता है कि आपको वो क्लाइंट क्यों चुने, यानी कि आपके पास क्या इस तरह की एक्सपर्टीज़ है कि वो क्लाइंट आपको चुने और क्लाइंट आपके साथ जो है वो काम करे और क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट जो आपको दे, तो वो आपने अपनी खसूसियात बतानी होती है कि कितना एक्सपीरियंस है आपका और किस तरह के आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और आपके डिज़ाइन के साथ क्या होता है, ठीक है, एंगेजिंग डिज़ाइन है या के कैचिंग डिज़ाइन है, ठीक है, आपके आपके डिज़ाइन से जो है वो सेल कन्वर्ट होती है, ठीक है, जो विजिटर है वो सेल में कन्वर्जन बढ़ती है, ठीक है, इस तरह के, यानी कि आप उनको एलिमेंट्स बताएंगे या उनको बेनिफिट्स बताएंगे, तो फिर वो क्लाइंट जो है वो कन्वर्ट होता है सेल की तरफ।
ठीक है सर, आ गए समझ आ गए। जी खालिद साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। जी माशाल्लाह ठीक। और जुनेद साहब आप ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ा अल्लाह का एहसान सर, शुक्र वालेकुम सर। सलाम, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा इस तरह है कि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं और सिर्फ सवाल जवाब कर रहे हैं। जी, जी खालिद साहब आप बोले, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। देना पड़ता है जी अब बताएं। में क्या था ना, जी ये जो तस्वीर खींच के जो लिखा होता है ना, गेट स्टार्ट थ्रो हंड्रेड का होता है, एंड पे वीडियो ना, गिग इमेज का वहां जो हमने वीडियो डालना होता है ना अपने काम दिखाकर, वो इंटरव्यू वीडियो के बारे में अगर कुछ बता दें हम उसको कैसे बनाएंगे। गिग का मैंने आपको बता, पूजी कहाँ से बनाएं क्या करें। अच्छा गिग की वीडियो जो है ना वो कैनवा के ऊपर, कैनवा पे भी बना सकते हैं। और उसमें क्या है कि आप लोगों ने जो अपने जितने भी आपने सैंपल्स हैं या जो काम किया हुआ है, ठीक है, वो आपने क्या काम जो है वो शो करवाना है, और उसमें जो है वो अपनी वॉइस ओवर भी कर सकते हैं या अपना जो टेक्स्ट जो है वो लिख के वो भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि आपने अपना एड एड नहीं दिखाना, आपने अपने काम को दिखाना है और एट द एंड जो है वो कॉल टू एक्शन देना है कि आपको ऑर्डर करें, ठीक है, और आपकी आपका अपनी जो है फाइवर का नेम लिख देना है, ठीक है, और उसको बता देना है कि ऑर्डर ना हो या जो कुछ भी लिखना है आपने। अगर कोई सिंपल हो तो सिंपल क्या? सिंपल इंटरव्यू वीडियो का कोई सिंपल हो, किसी के पास हो तो, अगर आपके पास हो बनाया हो तो।
सैंपल सबसे बेस्ट तो वो जिस तरह अख्तर हुसैन साहब का बना हुआ था ना, वो तो उन्होंने तो बनाया हुआ अपने आई थिंक आफ्टर इफेक्ट में बनाया हुआ ना। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, कैनवा पे भी बना सकते हैं, और एक एक साइट है invideo.ai। अच्छा अच्छा, कैनवा में जब आप बनाते हैं अब ये देखें, ये एक वीडियो का एक टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है। और मिसाल के तौर पर जो जो तीसरी स्लाइड है, यहाँ पे अपना आपने डिज़ाइन रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ठीक हो गया। अब यही वाली स्लाइड जो है मैंने दोनों सेलेक्ट करके अल्टर के साथ ना पकड़ के और इस तरफ किया है, तो यहाँ पे जो है उसकी कॉपी आ गई है, ठीक है। अब ये फ्रंट वाली ये जो पहली है, इसके आपका इसके ऊपर जो है आप जो भी टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी आप टाइमिंग कम कर दें, ये समझ लें आपकी ट्रांजिशन है, ठीक है। ठीक हो गया। इसी तरह फिर आप अपने जो है ना वो सैंपल लगाते जाएंगे आगे। इसमें अपना वॉइस कैसे शामिल करेंगे, और वॉइस इंग्लिश में होना जरूरी है? नहीं, आप अगर इसको सिर्फ टाइप कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आता जाए, यहाँ पे यानी कि लिखा हुआ आ जाएगा सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है,
आपके डिज़ाइन आने शुरू हो जाएं, फिर उसके बाद जो है वो आप लिखा आ जाए लोगो डिज़ाइन, आपके लोगो डिज़ाइन आने शुरू हो जाएं, फिर यहाँ पे लिखा आ जाए जो आपके जो है बुक कवर्स हैं, ठीक है, आपने 3D बुक कवर के मॉकअप्स बनाए हों, ठीक है, वो इधर से मूव कर जाएं, तो इस तरह आप जो है वो अपने डिज़ाइन को शो करवा सकते हैं। अच्छा, ये इन वीडियो के ऊपर अगर इसके ऊपर अगर बनाते हैं ना, नहीं नहीं चल जाएगा। सर जी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सर ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और भी सॉफ्टवेयर है, ये इन वीडियो से बेहतर है, वो ऐसा ल्यूमन फाइव पे सर अगर आप सिंपल कर लेते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छी वीडियो जनरेट कर देता है, और बाद में उसको कैपकट में इंपोर्ट करके तो लास्ट पे जो उसका सिग्नेचर के साथ वाटरमार्क के साथ उसकी लास्ट स्लाइड आती है ना सर, जिसपे लिखा होता है क्रिएट योर वीडियोज विद ल्यूमन फाइव, तो वो आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को आप अच्छी कमर्शियल और प्रोफेशनल लेवल पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह है बिल्कुल। सलाम अलैकुम जी। जी जी वालेकुम सलाम। स्क्रीन में नजर नहीं आ रही, बहुत सिंपल। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं जी। जी हो गया। अब स्क्रीन शो हो रही है? जी जी आ गई।
अच्छा, माजरत है, थोड़ा सा शोर पीछे हो रहा है। अच्छा, इसे जो ना सिंपल तरीके से, जो पहले आपने अपने डिज़ाइन बनाने होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास जो है ना अपना जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वीडियो किसी भी मीडियम के थ्रू आप बना सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ बना सकते हैं, ठीक है। आप अभी देखेंगे मोबाइल्स में जो है ना वो हर किसी के पास कैप कट भी है, ठीक है। अगर आप अपने टिकटॉक पे ऊपर भी सिंपल वो अपनी इमेजेस, मीन्स टू से कि आपका जो सैंपल है वो इमेजेस की शक्ल में, ठीक है, तो आपने इमेजेस जो है वहाँ पे वो उसे लगानी है, और उसके साथ जो है वो आप उसमें जो है अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और अगर वॉइस ओवर करना चाहते हैं, ठीक है, अगर नहीं तो आप जो है वो AI कई सॉफ्टवेयर इस तरह के हैं जिसमें आपका लिखा हुआ जो है वो आप फीमेल की वॉइस में भी बुलवा सकते हैं, ठीक है, और मेल की वॉइस में भी बुलवा सकते हैं, तो वहाँ से आप जो है वॉइस ओवर भी ले सकते हैं और अपनी वीडियो जो है ना वो बना सकते हैं इससे। अगर सिंपल आप म्यूज़िक के साथ भी अगर आप उसे करते हैं, ठीक है, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, साथ में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है, तो वो भी ठीक है। उसमें मेन होता है कि आपके जो डिज़ाइन जो है वो खुद जो है ना वो क्लाइंट को बता रहे होते हैं, क्लाइंट यानी उनको देखता है और उससे भी हिसाब लगाता है कि यार ये डिज़ाइन जो है वो मेरे मतलब के हैं या नहीं, वो खुद ही पर वो वीडियो को जो है वो एंगेजिंग बनाती है। इसमें ना आप मुझे अपने जो डिज़ाइन्स हैं वो मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है,
तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो आपको फिर बताऊंगा किस तरह, जो अगर आप टिकटॉक के ऊपर भी उसे वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, या एक ऐप होती है इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट के ऊपर भी जो है वो आप उनका जो है वो एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं वीडियो की सूरत में, और उसी वीडियो को जो है वो आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करके और एज डिज़ाइन उसे जो है एज एड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। मेन मेन जो है हमने वो अपने सैंपल जो है वो दिखाने होते हैं, अपना काम जो है वो दिखाना है कि किस तरह जो है वो चाहे वीडियो की शक्ल में हो जाए या पीडीएफ की शक्ल में हो या सिर्फ इमेजेस की शक्ल में हो, ठीक है, तो उसमें हमने क्या है अपने क्लाइंट्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जो सोशल मीडिया पे जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप अपना डिज़ाइन जो है, जो डिज़ाइनिंग वाले ग्रुप्स हैं उसके अंदर डायरेक्टली आप फाइवर का लिंक जो है ना वो शेयर नहीं कर सकते। जब आप शेयरिंग करते हैं सर अपने लिंक की, ठीक है, वो आपको जो है वो ग्रुप से जो है किक आउट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है कि बेस्ट है वो आपने अपने डिज़ाइन जो है वो आप वहाँ पोस्ट करते रहें, ठीक है, कोई भी अच्छा डिज़ाइन बनाए, ठीक है, वो आप जो है अपने नेम के साथ जो है वहाँ पोस्ट करें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब वहाँ पे जो है ग्रुप में बायर्स भी होते हैं और रिसेलर्स भी होते हैं, जिस तरह फाइवर के ऊपर मैंने बताया कि आपको सेल करने वाले भी हैं, ठीक है, और ख़रीदने वाले भी हैं, तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, ठीक है। सोशल मीडिया से अगर आपको कोई फिर वो क्लाइंट मिलता है तो उसको आप फिर डायरेक्टली जो है जब आपके साथ चैट पे आता है और वो कहता है मैंने ये काम करवाना है, ठीक है, तो आप उसे सैंपल दिखाते हैं, सैंपल दिखाने के बाद जब वो एग्री होता है और वो आपसे जारी बात है पेमेंट की बात करेगा कि पेमेंट किस तरह करनी है, तो आप उसको जो है अपने फाइवर अकाउंट पे ले जाएंगे, ठीक है, या फाइवर के गिग पे ले जाएंगे, तो वहाँ जो है वो अपनी प्राइस तय करके उसे जो है वो आप एक ऑफर सेंड करेंगे, कस्टम ऑफर उसे बना के सेंड करेंगे और उसको बताएंगे कि यार ये वाला काम जो है मैं इतनी देर में और इतने पैसों में करूँगा, ठीक है। वहाँ पे जो है वो आपको क्लाइंट जो सोशल मीडिया से मिला हुआ है, जहाँ जो आपका पेमेंट, यानी कि अगर डायरेक्टली पेमेंट अगर पाकिस्तानी है तो फिर तो ये होता है ना कि वो डायरेक्टली आपका पेमेंट करना चाहता है, वो फाइवर पे नहीं जाना चाहता, तो आप यहीं पे आप उससे प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर वो विलिंग है कि ठीक है अगर फाइवर पे जाके पे करना चाहता है, बाहर का क्लाइंट है, ठीक है, आप उससे वहाँ पे करवा सकते हैं और वो उससे भी रिलायबिलिटी होगी और आपको भी जो है वो क्लाइंट फाइवर के ऊपर मिल जाएगा, रिव्यू भी मिल जाएगा अच्छा। उसके बाद जो है वो जब हम एक दो ऑर्डर इस तरह के जेन्युइन क्लाइंट्स और क्लाइंट्स कहीं बाहर से जो है फाइवर के ऊपर लेकर आए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फाइवर भी इस चीज़ को जो है ना वो बहुत अच्छे है, यानी कि अपने एल्गोरिदम में जो है ना बहुत अच्छा गिनता है, और फिर उस गिग पे जो है ना वो ऑटोमेटिक ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वो क्योंकि आपने उसे क्लाइंट दिया होता है फाइवर को, तो फाइवर आपके गिग को जो है ना फिर वो दूसरे क्लाइंट्स को खुद ही दिखाना शुरू करता है, ताकि एज अ पोटेंशियल सेलर, ठीक है, वो जो है ना आपको प्रेजेंट करता है बायर्स के आगे। जी कोई और क्वेश्चन? खालिद साहब मौजूद हैं अभी? जी मौजूद हूँ। हाँ हाँ जी, मैंने कहा आपको समझ आया क्या? जी समझ आया। मैं कुछ और डिजाइन बनाता हूँ फिर इंशाल्लाह वो इंटरव्यू भी बनाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इंशाल्लाह मुझे बताइएगा और मैं इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी भरपूर मदद करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
जी आप लोगों का कहा था मैंने कि अपने जो सवालात ने इकट्ठे कर लें, ठीक है, और इंशाल्लाह जो ना हम सवाल जवाब भी करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी तैयारी से नहीं आए। सर रियली वेरी सॉरी, मैं तो वाकई नहीं तैयारी कर सका सर। उसकी वजह ये है सर कि मैंने 14 अगस्त को मुझे एक डेडलाइन मिली हुई है एक उसकी तरफ से, हमारे एक और वेबसाइट वाले हैं सर, तो हमारे टीचर ने कहा था कि आपने ना 14 तारीख तक लाजमी वेबसाइट बना के ना जमा करानी है एज अ प्रोजेक्ट सर। तो वो बेसिकली हमारा एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, और उसके बाद फिर जो है ना वो प्रॉपर हमें उसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना काम देना शुरू कर देंगे, यानी वेबसाइट बिल्डिंग का। बिल्कुल ठीक होगा। मैं अप टिल 14 तक जो है सर मैं एडवांस आपसे परमिशन ले रहा हूँ कि मैं थोड़ा क्लास में तो मैं आऊँगा डेफिनेटली सर, लेकिन जो असाइनमेंट होगी सर आपकी तरफ से वो मैं शायद इस कमिटमेंट की वजह से बाद में कर पाऊँ सर। तो ठीक होगा इंशाल्लाह। सपोर्ट चाहिए सर। सॉरी सर मैं भी नहीं कर सकता, मेरा बस यही क्वेश्चन था और मुझे कुछ ख्याल भी नहीं आया। मैंने एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, थोड़ा मैं कोई अपना पोर्टफोलियो में काम कर रहा था तो वो भी मुझे टाइम नहीं मिला, और बस इसलिए मैं थोड़ा नहीं कर सकता। अच्छा पोर्टफोलियो में आपको मैंने बताया था अभी जो आपको आपका मैंने डिज़ाइन देखा ना, जी सर उसमें ये है कि आपने पोर्टफोलियो को देखना होता है कि आपकी जो इमेजेस हैं या आपकी जो डिज़ाइन है ना, ठीक है, वो प्रॉपर जो है वो कलर कंट्रास्ट से होने चाहिए, ठीक है, उसमें यानी कि अट्रैक्शन हो। ठीक है सर। वो सर आपने मुझे गलतियां बता दी थी ग्रुप में, वो बस मैं थोड़ा फ्री भी था तो मैं वो कर लूंगा। मैम ने नमाज पे जाना था तो उसके जैसे हो रहा है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, वो भी अभी करें या कल करें, ठीक है, उसमें आपने अपने आप को बेहतर करना है, ठीक है, वो जितना आप उसको टच अप करेंगे, ठीक है। मैं आपको कल इंशाल्लाह चेक करा दूंगा। ठीक हो गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, मैं इंशाल्लाह कल गिग भी पब्लिश कर दूंगा लोगों ने गारंटी इंशाल्लाह। इसमें इसमें आपने ना कीवर्ड सर्च पे टाइम लगाना है, ठीक है, उसमें यह होता है कि जो कीवर्ड सर्च अच्छी की हुई होगी ना जी सर, तो फिर वो उसमें पॉसिबल होता है कि चांसेस होते हैं। जी सर वो मैंने आपको उस दिन चेक करा दिए थे, आपने जो ठीक किया था उसी पे इंशाल्लाह करना, आपने जो चेक कर लिए थे। ठीक हो गया ठीक हो गया। सैंपल जो है ना सैंपल आपने वो जो इमेजेस बनाई हुई है ना 4, उसके अलावा भी बनाए, और कोशिश करें कि वो 3D मॉकअप के साथ या उसे ब्रांडिंग के साथ जो है ना वो पब्लिश करें। मैंने मॉकअप बना लिए उनके, मैंने 4 मॉकअप बना लिए चारों लोगों के, तो उनके साथ पब्लिश करूंगा। चलो ठीक हो गया गुड हो गया, वो दिखाना मुझे। अच्छा जी सर वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर जी मैंने जो अरबी जबान सेलेक्ट की है ना जी जी उसके बारे में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दिया था, और एक गिग टाइटल डिस्क्रिप्शन भी अरबी में लिख दिया था ना जी जी उस तरह तो नहीं बना सकते ना जी, या सिर्फ गिग इमेज से अरबी वगैरह का कुछ लिख कर बाकी टाइटल डिस्क्रिप्शन उसे इंग्लिश में होना चाहिए। वो इंग्लिश में रखनी है आपने जो टाइटल और जितना भी डिस्क्रिप्शन वगैरह वो इंग्लिश में रखनी है, और जो इमेज लगानी है ऊपर उसके अंदर आप अरबी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये बात है। बाकी ये देखें अभी उस दिन मैंने अपनी अरबी अरबी जुबान सेलेक्ट की है ना, अभी ये देखिएगा मुझे एक बंदे का कांटेक्ट भी आया था, मैसेज आया था जो अरबी में मैसेज किया हुआ है। ये देखें फिर मैंने इसे अरबी में ही वो जवाब दिया दोबारा।
अगर आपको किसी भी और लैंग्वेज में यहाँ पे मैसेज आया था ना फाइवर में, तो फाइवर आपको यहीं से ये देखें सेलेक्ट करने की कोशिश, आपको जो ऑप्शन देता है कि आप जो ट्रांसलेट टू इंग्लिश यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, हाँ ये जी जो हाँ लिखा हुआ है, अगर इसको को नहीं भी प्रेस करते तो हम सीधा जो है इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और राइट क्लिक करते हैं तो गूगल भी हमें ये ऑप्शन देता है, देखिएगा गूगल भी ऑप्शन देता है ट्रांसलेट सिलेक्शन टू इंग्लिश, ठीक है, वो यहीं पे इंग्लिश कर देता है इसकी। जी और मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे नहीं भी ऑप्शन होता तो यहाँ से कॉपी करके फिर आप गूगल ट्रांसलेट ले जाएंगे, ठीक हो गया। जी तला, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, माइक नहीं सही करवाया आपने? अच्छा, चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया इंशाल्लाह। एक मोबाइल से कर लिया करें, उससे भी अगर वो वॉइस का मसला भी आ रहा है तो आप जो है वो उसके साथ वो लगा रहे हैं, हैंड फ्री वगैरह लगा के देख लें। अच्छा, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो पूछे जरा। सर जी, जो इंटरव्यू होता है ना, जी अगर उसकी जगह हम किसी इमेज को लगा दें और आगे चलते जाएं, अपना वो बनाते जाएं, तो फिर वो दोबारा तब्दील कर सकते हैं ना उसमें? जी जी बिल्कुल है, वो किसी भी वक्त आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी गिग जो है वो फुल उरूज पे आ जाए और रैंकिंग में आ जाए तो फिर ये वाला काम नहीं करना, यानी कि इमेज चेंज करने से कई मरतबा जो गिग डी रैंक हो जाती है। तो अगर अच्छा आपको रिस्पांस आना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे आपको ऑर्डर भी आ रहे हैं और सब कुछ आ रहे हैं और आपके जो इमेज है वो अच्छा नहीं लगा हुआ लेकिन आपको काम मिल रहा है, तो फिर आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करना इमेज चेंज करने का, ठीक है। मेरी एक गिग थी और बड़ी अच्छी रैंकिंग पे जा रही थी, उस पर जो मेरे ऑटो पे ऑर्डर आने शुरू हो गए, ठीक है, तो उसकी इमेज में कुछ टेक्स्ट की गलती थी, ठीक है, वो मैंने सही करके इमेज चेंज कर दी और जैसे ही मैंने चेंज किया तो मेरी गिग जो है ना वो रैंकिंग में से गुम हो गई, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलती है नहीं करनी। पहले पहली बारी में जो इमेज बनाए वो अच्छी बनाए और टेक्स्ट में गलती ना हो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन जो है उसमें सारा काम जो है वो टेक्स्ट का है, इमेज और टेक्स्ट, ठीक है, तो आपका टेक्स्ट जो है ना वो उसमें टेक्स्ट एरर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, उसका आपने ध्यान करना है और कोशिश ये करनी है कि आपकी जो पोस्ट हो वो इस तरह की हो कि क्लाइंट को जो है वो कस्टमर में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, उसका जो विजिटर आए तो वो आपका कस्टमर बन जाए इस तरह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो प्राइस रेंज जो बाद में चेंज करते हैं उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना?
नहीं, प्राइस का नहीं इतना इशू होता, लेकिन गिग के टाइटल का और इसके अलावा जो है ना, हम जो इमेजेस चेंज करते हैं उसकी वजह से कई मरतबा इशू पड़ता है। जी ठीक है। प्राइस जो अगर आप रिजनेबल हो, लेकिन जो थोड़ी हायर प्राइस है ना, वो फाइवर को अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि फाइवर ने हमारी ही प्राइस से जो है वो, जब हमने अर्न करना है तो तभी फाइवर को अर्निंग होनी है, ठीक है, तो उसे फाइवर को ये प्राइस पसंद है, लेकिन इसमें ये हो गया वो उस प्राइस पे क्लाइंट आपसे बाय भी कर रहा हो, ये चीज़ है। जी ठीक है। सर मैं इसमें एक बात मेरे जहन में आ रही थी, अगर आपकी इजाज़त हो जी, सर। ये हमें अपना सेंस ऑफ अचीवमेंट सर उस दिन महसूस होगा जिस दिन हम आपकी ज़ेर निगरानी किसी ना किसी क्लाइंट को एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह। हमारे पास कोई ना कोई सर जो हमें कोई ना कोई छोटा मोटा फेयर या सेटिस्फैक्ट्री या गुड वाला जो है ना वो रिमार्क्स भी मिल जाएंगे, रिव्यूज भी इंशाल्लाह। मिले। तो इसके लिए सर जरूर प्लान कीजिएगा इससे पहले कि क्लास बड़ी तेजी से अपना टाइम खत्म करने की तरफ जा रही है, तो ऐसे ना हो कि वो 20 क्लासें मुकम्मल हो जाएं। और हमारे क्लास फेलो बेटे ने भी कहा था और वो रिटर्न रिक्वेस्ट भी दी थी तो आपने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था, तो इसको जरा जरूर काइंडली सर देखिएगा कि किस तरह से वो सबको जो है ना वो दे के चलना है ताकि ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ना हमारी जरूर मेंटेन रहे सर। इंशाल्लाह ज़रूर। और इसमें मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि ये सिर्फ 20 क्लासेज नहीं होंगी, ठीक है, इसके बाद जो है वो मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट है आप लोगों के साथ, ठीक है। मैंने यही कहा था कि जो भी बंदा इस कोर्स में आता है तो मैं उसके साथ जो है वो लाइफ टाइम उसके साथ तो अटैच हूँ, ठीक है, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े वो मुझे कॉन्टेक्ट करे, ठीक है, मुझसे बात करे। ये नहीं कि मुझे हर वक्त वो पैसे देगा तो मैं उसका काम करूँगा या उसे बताऊँगा, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आपको सपोर्ट है। और इसी जो कोर्स की पेमेंट आप कर चुके हैं ना, इसी में आपको लाइफ टाइम जो है ना सपोर्ट मिलेगी। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू एनी अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, और उसमें कोई फ्रीलांसिंग में मसला है, कोई डिज़ाइनिंग में मसला है, ठीक है, या कोई फाइवर के किसी कोई इशू आ जाता है, कोई इस तरह के क्लाइंट मिल गया है जो बहुत तंग कर रहा है, ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन करना है, किस तरह उससे बात करनी है, ठीक है, वो या कोई इस तरह का बंदा है कि कोई डिमांड इस तरह की करता है, वो आपको मतलब कि नहीं समझ आ रहा कि यार इसको मैं किस तरह टैकल करूं, किस तरह बताऊं या क्या इसको समझाऊं, ठीक है, तो वो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा उस पर। जी रियली ग्रेटफुल सर। और दूसरा सर मैं ये एक सजेशन इसी प्लेटफॉर्म से देना चाहूँगा कि जिस तरह सर अख्तर का माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा उनका एक हमारा साथ एक लिंक डेवलप हो चुका है और ऐसा समझ लें जैसे उन्होंने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया था सर, तो बिल्कुल हमें भी सर बिल्कुल आप अपनी ज़ेर निगरानी अपने सॉफ्टवेयर हाउस का मेंबर बनाएं और ये सब की स्किल्स को मेटिकुलसली आप हमें असाइन कर दिया करें। और हमें अगर फाइवर पे नहीं काम मिल रहा होगा तो हमें ये तो पता होगा कि हमारे उस्ताद मोहतरम हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एंगेज रख रहे हैं, तो ठीक हो ये गया भी इंशाल्लाह, है कि इस तरह हमें थोड़ा बहुत एंगेज जरूर रखिएगा सर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मेरा मेरा इरादा भी यही था, लेकिन जब से मेरा जो लेवल 2 हुआ है तो फाइवर ने मेरा ख्याल जो है ना वो मुझे थोड़ा सा पीछे कर दिया, वो मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे जो है ना वो क्लाइंट से खुद काम लेना पड़ रहा है, ठीक है, अब उसमें मैंने क्या किया है कि जो मेरे ओल्ड क्लाइंट्स थे जितने भी, उनको मैं टाइम टू टाइम जो है वो टच करके जो है ना वो उनको मैसेजेस जो है वो कोई ना कोई डालता हूँ इस तरह, या ग्रीटिंग उनके साथ जो है मैं करता हूँ, ठीक है, या उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेरे पास हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर मैं उनसे अटैच हूँ, तो कहीं ना कहीं से फिर जो है ना वो कोई इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो मुझे फिर मिल जाता है, तो इंशाल्लाह कोई भी मतलब किस तरह का प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, कि जहाँ पे जो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो मैं इंक्लूड करूँ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। सर तो लेवल मतलब अगर बढ़ता है तो फिर वो
मतलब फाइवर डाउन क्यों कर देता है, उसको तो ज्यादा अच्छे से आगे लेके जाना चाहिए ना। वैसे मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ। उसमें उसमें ये होता है कि फाइवर की अंडरस्टैंडिंग ये है, या उसका एल्गोरिदम ये है कि जब बंदा लेवल 2 पे आ गया है ना, तो वो कमाऊबूत हो गया, ठीक है, वो ऑर्डर ले सकता है, वो बात लोगों से बातें कर सकता है, ठीक है, लोगों से मतलब कि क्लाइंट जो है उसको उसके इनबॉक्स में आता है, उसको जो है वो सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है, वो इतना एक्सपीरियंस्ड हो गया है कि वो आराम से जो है वो क्लाइंट्स को टैकल कर सकता है। तो उसमें उसमें जिन लोगों को ऑर्डर्स आ रहे होते हैं उनकी गिग डी रैंक होती है, लेकिन क्योंकि वो ऑर्डर्स कर रहे होते हैं उनको एक लगातार जो क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है कि उनको ऑर्डर भी मिल रहे होते हैं और उनकी गिग्स जो है बूस्ट होकर ना वो ऊपर ही रहती है, ठीक है। उसमें मतलब जितना डाउन होने का फैक्टर है उतना ही फिर वो सेलिंग के साथ जो है उसको अप भी ले जाते हैं। तो इसी इसमें मैं अगर जैसे मुझे जिस गिग पे के ऊपर भी काम मिलता है तो वो गिग जो है मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो ऑल गिग्स थी ना, जिस तरह के तमाम गिग्स जो है वो अच्छे काम कर रही थी या जिनके ऊपर मुझे काम मिल जाता था, तो वो गिग्स जो है वो दोबारा जो नीचे आ गई, नीचे से मूव करनी पड़ रही हैं। तो फाइवर क्या करता है कि जो जो न्यू क्लाइंट होते हैं या न्यू सेलर जो है फिर उनको मौका देता है कि उनको अप करता है, ठीक है, कि अगर लेवल 2 के ही ऊपर रहेंगे तो फिर वो 0 लेवल वाले या न्यू कमर जो है वो किस तरह एंटर होंगे। चले क्लास एंड हो रही है, ठीक है, दोबारा फिर अस्सलाम वालेकुम सलाम। वो माजरा थे, क्लास खत्म हो गई थी तो फिर मैंने दोबारा वालेकुम। जो फिर वो लिंक जनरेट किया। ये कह रहा है जेन ले आई, वो जी है ये कि मसलन अगर आपके पास कोई क्लाइंट का कोई ऑर्डर आ गया ना जी, जी जी अगर आप वो हम ग्रुप में शेयर करें कि उस क्लाइंट ने क्या कहा है और क्या जॉब दी है और वो जो चीज़ मांगी है, अगर हम उसको अपनी तरफ से बनाएं जी जी जी, आप भी कोशिश करें, आप तो वैसे बनाएंगे ना जी, ठीक हो गया। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करके उसको बनाएंगे। एक ये है कि क्लाइंट का जो मिजाज चलेगा इस तरह, तो वो चीज़ हम बनाएंगे, कोशिश करके आपको सुनेंगे, तो इस तरह से हमारी भी वो क्या नाम है वो प्रैक्टिस होगी। नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इसमें यह है कि जो मेरा जो ज़्यादा काम है वो है जो एड्स राइटिंग का, ठीक है, एड्स राइटिंग है या फाइवर की कोचिंग जो है वो मैं बाहर के जितने भी लोग हैं वो भी मुझसे यानी कि मिलते हैं, आके मुझसे जो है कांटेक्ट करते हैं, फिर ऑनलाइन वीडियो उनके साथ जो है मीटिंग होती है और उसके ऊपर मैं जो उनको गाइड करता हूँ। तो जो अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अगर कोई काम आएगा इंशाल्लाह वो मैं जो है ना फिर आप लोगों के साथ जो है कोई इस तरह का काम है जो मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को मैं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो क्लाइंट्स मेरे साथ इस तरह के अटैच हैं उनके जो है वो समझ लें कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो है वो मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, तो उसमें उसमें फिर मैं इंफॉर्मेशन इस तरह की होती है कि वो मैं फिर शेयर कई बार नहीं भी कर सकता। तो जो जो हाँ जो मुझे लगेगा कि इंशाल्लाह कि आप लोगों से करवाना बेहतर है तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा, जो भी बनाएगा कोई इंशाल्लाह उसकी जो जो भी पेमेंट होगी उसको मैं दूंगा। एक और बात जी, व्हाट्सएप में किसी मोहतरमा ने एक राय दी थी, बहुत जबरदस्त राय दी थी। वो जो एक दूसरे को ऑर्डर देने वाली, जी, इसलिए इस कोर्स को हम कुछ ना कुछ समझेंगे, फिर एक हम एक दूसरे को ऑर्डर देंगे, तो इस तरह हम ही क्लाइंट का यानी खुद क्लाइंट बनेंगे और फॉर्म फुल करेंगे, इस तरह किसी दूसरे को भी सर्वर पर लाने के लिए भी एक हम एक प्रैक्टिस हो जाएगी और
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हम इंशाल्लाह उसको प्रोसेस करेंगे, लेकिन अब ये नहीं कर सकते कि मैं आपको ऑर्डर दूं और आप मुझे ऑर्डर दे दें, ठीक है? तो फाइवर उसी टाइम दोनों को बैन कर देगा, नहीं नहीं ये ठीक तरह नहीं। है? उसमें तरीका इस तरह के है कि हम लोग सर्कल बनाएंगे। सर्कल को किस तरह चलाएंगे कि जो ए कस्टमर हमारा, सॉरी, ए स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो ऑर्डर देगा बी को, बी ऑर्डर देगा सी को, सी ऑर्डर देगा डी को, ठीक है, और डी ऑर्डर देगा दोबारा ए को। इस तरह जब हम सर्कल्स बना देंगे स्टूडेंट्स के, वो आपस में फिर ना इस तरह ऑर्डर जो है उसको प्रोसेस करेंगे। जिगर इस तरह ग्रुप में ना ए हो गया, सी डी भी हो गया ना, जी जी बिल्कुल, एक दूसरे को वैसे व्हाट्सएप पर बताने की एक मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो ना। जब वो ऑर्डर क्लियर हो जाए फिर जाके फेवर पर ऑर्डर दे दें, तो एक दो दिन के बाद उसको हम रिसीव उनको दे दें, तो इस तरह। नहीं, आप आपस में बात करके ही करेंगे। उसमें ये होगा अच्छा कि आपसे पहले पूछा जाएगा कि यार आपको जो है वो कौन सी गिग के ऊपर ऑर्डर चाहिए, यानी कि आप क्या चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है? जो हम फेक रिव्यूज़ देते हैं ना, जो भाई हमारे फेक रिव्यूज़ देते हैं, वो हम क्लाइंट्स को सेल करते हैं, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं वो भी लेते हैं फेक रिव्यूज़ ना। तो उसमें क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्लाइंट से, जाहिर बात, उसको उसको अपनी गिग पे ऑर्डर लगवाना है, पहले हमने उससे पूछना है कि आपने क्या चीज़ डिलीवर करनी है, ठीक है? जो चीज़ डिलीवर करनी है तो फिर बायर वही उससे मांगेगा। अगर मैं डायरेक्टली मतलब कि किसी को ऑर्डर देता हूँ सिर्फ उसको जो फेक रिव्यूज देने के लिए, और मैं उससे ऐसी चीज़ मांग लेता हूँ, यानी कि अगर वो लोगो डिज़ाइन कर रहा है और मैं उसको कहता हूँ सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करके दो, और वो फंस जाता है, वो कहता है यार कि मैं अगर डिज़ाइन कर दूं, और वो बड़ा बेकार सा डिज़ाइन बनाता है, ठीक है, मैं उसका रिव्यू भी देता हूं, वो सब कुछ ओके कर देता हूं, और वो सैंपल जो है ना उसकी गिग गैलरी पे लग जाएगा, ठीक है? तो वो गिग जो है ना अच्छा उसकी वो टॉप पे जाएगी, लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं ले सकेगी, क्योंकि वो जब क्लाइंट्स जो है वो पुराना काम देखते हैं उसका, ठीक है, सेलर का, तो सेलर को काम के अंदर जो है वो इस तरह के सैंपल आ जाते हैं जो देखने के बाद जो क्लाइंट वो ना वो मतलब के अट्रैक्ट नहीं होता, वो कहता है यार इसके अपने इसने सैंपल्स अच्छे लगाए हुए, लेकिन क्लाइंट के लिए जो काम किया हुआ ना इसके सैंपल से मिलता ही नहीं है, ठीक है? सैंपल्स जो है वो हम लोग बनाते हैं मिसाल के तौर पे मॉकअप्स लगा के और बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो जब हमने कोई फाइल डिलीवर करनी है जब बायर को ना, तो तब भी हमने उसकी जो फाइल का एक मॉकअप भी बनाना है, और जब हम डिलीवर करते हैं काम तो उसके अंदर फिर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी इमेज जो है हमारी एज सैंपल यूज़ हो। तो क्लाइंट भी, हर क्लाइंट नहीं, वो इस तरह करता कि रिव्यू देते हुए जो है वो आपकी जो है सैंपल को सिलेक्ट करे, लेकिन मोस्टली जो है ना वो क्लाइंट कर देते हैं कि जब आपने उसको बताया हुआ होता है कि यार ये वाला सैंपल जो है वो डिलीवरी के अंदर ना आपने सेलेक्ट किया होता है कि ये वाला सैंपल जो है ना वो शो होगा मेरी डिलीवरी के साथ, तो जब वो कमेंट्स करेगा तो उसके साथ फिर वही इमेज जो है ना वो शो होगी, ठीक है? तो वो इमेज फिर आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर मैं बता के आपको ऑर्डर नहीं दूंगा तो आप फिर वो उस तरह की इमेज डिलीवर नहीं कर सकेंगे और आपकी गिग की जो है ना पूरी प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी। तो इसमें हम लोग यही करेंगे कि पहले आप आपस में जो है वो कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि जितने भी हमारे ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तकरीबन 16-17 मेंबर्स हैं, तो आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है? बातचीत करके और फिर जो भी किसी को ऑर्डर देगा तो ऑर्डर देने से पहले जो है उससे पूछेगा कि आप कौन सी गिग पे ऑर्डर चाहते हैं और किस गिग को जो है वो आप क्या चीज़ डिलीवर करना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके रिगार्डिंग ही फिर वो मिसाल के तौर पे अगर आप आपके पास लोगो बना हुआ है शेरोज़ का, ठीक है, शेरोज़ कंपनी का लोगो बना हुआ है, अब वो आप उसको अपनी गैलरी में लगाना चाहते हैं और आप उसको जो है मुझे डिलीवर भी करना चाहते हैं, अब मैं आपसे क्या करूँगा, कांटेक्ट जब करूँगा तो मैं आपको बोलूँगा कि यार मैंने एक कंपनी का लोगो बनवाना है और कंपनी का नेम जो है शरोज है, और ये जो है जो रियल इस्टेट बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का लोगो बनाना है, तो आपने फिर उसके रिगार्डिंग वो लोगो जो है वो डिलीवर करेंगे, तो वो फाइवर को जो है पता होगा कि यार क्लाइंट ने पहले रिक्वायरमेंट इस तरह की थी और इसने फिर इस तरह का लोगो बनाया, तो डिलीवर के बाद फिर मैं रिव्यू दूंगा, रिव्यू के बाद जो है वो जो आपका सैंपल है वो आपकी गिग की गैलरी की जो तीन इमेजेस हैं
उसके बाद चौथी इमेज जो है वो ये सैंपल होगा, ठीक है। इसी तरह जिस जिस तरह आप क्लाइंट्स के साथ काम करते जाएंगे और अपने सैंपल्स को जो पब्लिश करते जाएंगे, तो उसी तरह जो आपके वो सैंपल्स बढ़ते जाएंगे और आपके जो गिग गैलरी के अंदर जो ना आपके पोर्टफोलियो बनता जाएगा। अच्छा जी, किसी का और कोई सवाल? कोई सर, आपको वो एक वेबसाइट है डिजाइन क्राउड, उसका जी उसके जी बारे में कोई आइडिया है? हाँ जी, डिज़ाइन क्राउड में वहाँ पे जो है ना, मेरा ख्याल वो यूज़र प्रोफाइल जो इतनी जल्दी जो है ना अप्रूव नहीं होती, अच्छा और उसमें जो है वो आपका पोर्टफोलियो भी तगड़ा होना चाहिए। दूसरा ये है कि वो उसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं जी सर, और आप वहाँ पे बिडिंग करें, बिडिंग करती रहें तो कोई ना कोई मिल जाता है इस तरह का ऑर्डर जो है ना। तो सर इसका और अपवर्क का मिलता जुलता है, यानी कि वो तरीका, उधर भी तो बिडिंग होती है ना? फाइवर का भी यही तरीका था, ठीक है। यहाँ पे भी बिडिंग वो होती जो बाय थी, रिक्वेस्ट आती थी उसके बाय ऊपर से? रिक्वेस्ट जो है, बाय रिक्वेस्ट पे हम जो ऑफर सेंड करते हैं हम बिडिंग करते हैं, हम लोग जो है वो उस पे अपनी बिड भेजते हैं। बिड होती है कि एक आप उसमें स्कोप देते हैं कि क्या काम होगा, ठीक है, आप किस तरह करेंगे, और दूसरा आप जो है उसके अंदर प्राइस ऐड करते हैं, तीसरा जो है वो टाइम लाइन ऐड करते हैं कि कितनी देर में करेंगे। तो ये एक बिडिंग कहलाती है, यानी कि इसके तीन चीज़ों का जो है मजमू है, तो आप अपनी बिडिंग करते हैं उस तो सर आप इनबॉक्स में जाके ऑफर करते हैं फाइवर पे, किस तरह से भेजते हैं ऑफर? पे। नहीं, इनबॉक्स पे नहीं होता, ये होता है कि आपने जो है जब इसके अंदर ब्रीफ आता है ना, ये देखिए अब ये देखें, जिस तरह लिखा मैंने, इट्स अ मैच, इट्स अ मैच, ठीक है, वी थिंक यू आर अ ग्रेट फिट फॉर दिस ब्रीफ, ठीक है। ये फाइवर की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जब आपका ब्रीफ जो है, जैसे मैंने बताया था ना, जब हम गिग्स पे गए थे, ये गिग्स वाले टैब पे जाएं तो यहाँ हमने लिखा था गेट ब्रीफ्स, ठीक है, इसको ऑन रखना है आपने, और इसके ऊपर ये जो प्राइसिंग है, प्राइस आप जो है वो अपनी $10 से जो है ना वो अबव ही लगाएंगे, ठीक है। $10 रखें, ये 20 रखें, 30 रखें, या यहाँ पे 50 रखें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको आपके पास जो है ना ब्रीफ आता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, या यहाँ पे ऑफर सेंड कर सकते हैं, या इसको नॉट इंटरेस्टेड करके इग्नोर कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो है वो क्लाइंट को, बायर को जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सर मतलब तो गेट ब्रीफ से यानी कि हमें बायर की रिक्वेस्ट शो होगी? हाँ जी, ये बायर रिक्वेस्ट एक आई हुई है ना, ये देखें, ये इसने सारा अपना लिखा हुआ है कि जी टाइटल जो है बैनर डिज़ाइन है, डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आई थिंक मैंने चौथी के पांचवी क्लास के अंदर जो है ना वो ये चीज़ करके भी दिखाई थी कि किस तरह जो है वो ब्रीफ लिखते हैं हम लोग। जब ब्रीफ लिखेंगे उसके अंदर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो सेलर्स हैं जिनको वो ब्रीफ शो करवाएगा, ये फाइवर शो करवाता है। पहले ठीक है सर। क्या होता था कि वो तमाम सेलर्स को ना, उस कैटेगरी के तमाम सेलर्स को जो है ना वो बाय रिक्वेस्ट शो होती थी और जी वो उसके जी ऊपर बिडिंग करते थे, ठीक है। जी अब क्या होता है कि फाइवर देखता है कि कौन कौन सी गिग जो है ना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको फिर वो मैच या ब्रीफ करके, मिसाल के तौर पे अब उसने ये कैटेगरी है, ठीक है, साइनेज डिज़ाइन, और इसकी कैटेगरी आती है यहाँ पे बैनर डिज़ाइन दी नहल सर्विस, मिनट अरे, इसमें जो कैटेगरी होती है, ठीक है, जिस तरह मतलब बैनर डिज़ाइन है, या यहाँ पे लिखी हुई देखिए ये साइनेज डिज़ाइन, ठीक है, ये आपकी जो सर्विस है, ये आप अभी मेरी गिग की जो है ये कैटेगरी थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ये ब्रीफ जो है फाइवर ने मुझे भेजा, ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो मेरी प्राइस से अबव है।
ठीक है, अगर मेरी प्राइस इससे अबव होती जो इसने रिक्वायरमेंट की है तो फिर फाइवर ने ये मुझे नहीं दिखानी थी। तो आपने कोशिश करनी है कि यानी कि ये बायर ब्रीफ जो है ना, ये रखा हुआ है कि इसमें जो बायर जो है वो $30-40 की कोई चीज़ चाहता है ना, तो वो ही मुझे शो हो। ठीक है, वो आपने फिर प्राइस जो है अपनी वो $20, $30 या $40 रखनी है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैच है ब्रीफ जो है वो आपको $10 वाला भी शो हो जाए, ठीक है, तो भी तो जो आपने अपनी गिग प्राइस जो है यहाँ पे $5 रख लेनी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके फिर कम कम प्राइस वाले भी जो है वो प्रोजेक्ट अगर आपको शो होगा तो फिर वो आपको क्लाइंट मिल जाता, फिर वो आपको करना होगा। तो ये जो सर्विस है ये देखिए, आप मैं आपको गिग दिखाता हूँ अपनी, ये देखें, इसमें ये कैटेगरी शो हो रही है ऊपर ग्राफिक एंड डिज़ाइन, और उसके अंदर साइन एंड डिज़ाइन। अब ये कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, इस कैटेगरी के बिहाफ पे जो है वो फाइवर ने, इसने भी यही बायर ने जो है ये कैटेगरी सिलेक्ट की है, इसलिए साइन एंड डिज़ाइन की जितनी जो बायर रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो ये मुझे भेजेगा, मतलब कि मुझे भी भेजेगा, ये नहीं कि मुझे ही भेजेगा, ये और भी क्लाइंट्स को भेजेगा, और भी सॉरी और भी जितने सेलर हैं उनको भी भेजेगा, और जो भी इनको फिर वो ब्रीफ जिनका भी पसंद आएगा या जिनका भी सैंपल होगा वो उनको फिर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट ऑफर करते हैं, जब इसमें हम सैंपल अटैच नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी मैसेज के तौर पे ही जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज कर सकते हैं बायर को भी, बायर को जब मैसेज करते हैं तो डायरेक्टली आप उसको डिज़ाइन की ऑफ़र भी कर सकते हैं, और उसको ये भी कह सकते हैं कि मैं आपके लिए डिज़ाइन सैंपल जो है ना ये थोड़ी देर तक मैं शेयर करता हूँ, तो आप सैंपल देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो फिर ये ऑर्डर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जो आप किसी और को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखें, ये मैंने सैंपल जो है ना इनको शो करवाया था दोबारा, ठीक है, अभी इनका कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन ये है कि ये मैंने इनको बैनर जो है इनका रिक्वायर्ड था, ये बैनर डिज़ाइन करके और साथ ही ये मॉकअप भी ये देखें करके और इनको दिखा दिया था। सर ये बैनर का डिज़ाइन है, ये वो जो टेबल पर रखते हैं ये वो है सर? नहीं नहीं नहीं, ये स्टैंडिंग बैनर जो होता है जो शॉप्स के सामने खड़ा नहीं होता जमीन के ऊपर, ठीक हो गया सर, स्टैंडिंग ये वो बैनर, इसको स्टैंडिंग भी कहते हैं, रोल अप बैनर भी कहते हैं, फ्लैक्स यही चीज है जी, फ्लैक्स यही है, इसका मटेरियल यानी कि फ्लैक्स भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, जो भी आप मतलब इसको स्क्रीन दे सकते हैं, ठीक हो गया सर। स्टाइल इसका जो ना रोल अप बैनर है, साइनेज वाली है गिग आपकी सेम ही है, साइनेज की और ये एक ही गिग पे आप ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं या अलग अलग बनाई है आपने? नहीं नहीं, साइनेज के ऊपर ही मैं ये जो है ना सर्विस दे रहा हूँ, ये देखिए मतलब साइनेज की, इसके ऊपर मैंने साइनेज में ना कंपटीशन कम है, ये देखिएगा ये 3700 गिग्स है जी सर, जी ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आप बैनर डिजाइन देखें ये 18,000 गिग्स हैं, अगर आप यहाँ मजीद जो पोस्टर डिजाइन देखें यहाँ 15,000 गिग्स हैं, तो उसके अंदर कम गिग्स हैं, उसके ऊपर फिर वो ना कंपटीशन शॉर्ट हो जाता जरा। सर बिलबोर्ड और साइनेज एक ही चीज थी, मैंने आपसे पूछना था, मुझे थोड़ा बिलबोर्ड जो है वो ये जो बड़े बड़े आपको बोर्ड नजर आते हैं कंपनीज के लगे हुए, जी जी ये बिलबोर्ड है, ठीक है, और जो साइनेज है वो आप देखेंगे कि डबल पोल्स के ऊपर भी लगे हुए हैं, ठीक है, जिस तरह यार साइन भी कहते हैं इसको, जी जी छोटे साइज वाले, ये वो साइनेज वो, इसके अंदर आप मतलब के लाइटिंग भी हो सकती है इसके अंदर इस तरह के, जी जी वो जो सर बड़े वाले होते हैं बिलबोर्ड उसमें तो लाइट्स ऊपर से डालते हैं, ऊपर से होती है ना वो बिलबोर्ड होते हैं, हाँ जी बिलबोर्ड, ठीक है, यानी वो वैसे तो वो कपड़े के होते हैं या पेपर से बने होते हैं, प्रिंटिंग फ्लेक्स भी हो सकती है, और फ्लेक्स महंगी पड़ती है लेकिन ये पेपर डिजाइन ही होता है, ये उसके ऊपर चिपकाया हुआ होता है, शीट होती है, फारिश वगैरह हो तो ये खराब तो नहीं होते, इसमें कोई और मटेरियल होता है, ये शीट होती है ना, मतलब कि इस तरह की शीट होती है जिस तरह लैमिनेटेड शीट होती है, ठीक
ठीक है तो सर ये वो पानी तरह एक्ट नहीं करता, लेकिन इसका रंग फिर आहिस्ता 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 उड़ जाता है। सर इसके ऊपर ज्यादा मैं इसका जो बिलबोर्ड के डिजाइन है वो ज्यादा यानी मुश्किल है बनाने, या क्या आप मशवरा क्या देते हैं, साइनेज या बिलबोर्ड? बिलबोर्ड के क्या कह रहे हैं? मैं सर बिलबोर्ड के डिजाइन बनाना मुश्किल है या साइनेज, इनमें से कौन सा आप नहीं मशवरा नहीं देते? ये जो देखें बैनर डिजाइन जो बंदा करता है ना, वो चाहे ये देखें इस तरह का बैनर हो या ये वाला बैनर हो या बिल बोर्ड हो, ठीक है, तो डिजाइन तो तकरीबन एक जैसी है सारे, ठीक है, ठीक है और डिजाइनिंग एक जैसी है आप बस। ले सकते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और सर वो अलग होता है ये जो जो शॉप्स के ऊपर इनके बोर्ड के नाम लिखे होते हैं, शॉप के जो फ्रंट पे उनका जो शॉप का नेम वगैरह लिख के देते हैं, वो कुछ और कहलाता है या वो भी साइन बोर्ड कहलाता है? नहीं इसको इसको बैनर डिजाइन कहेंगे, वो बैनर डिजाइन है, वो जो शॉप शॉप बैनर। का नाम वगैरह जो लिखा होता है। ठीक है ये देखिए शॉप बैनर के ऊपर ये सिर्फ ये 445 सॉरी 545। ये सिर्फ नेम यूज होता है, अब शॉप जो ये सारी ऑनलाइन शॉप के यानी के वो आ रहे हैं, ठीक है। नहीं सर ये जो हमारे जैसे ये मतलब कि शॉप्स होती हैं उसको डिपार्टमेंट इसको स्टोर बैनर डिजाइन ही कहते हैं, ये बैनर ही होता है। बैनर में आता है। ठीक है ठीक है जी जी अच्छा सर मैं वो देख रही थी प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूवर रिमूवल, इस गिग पे भी सर काफी कम कंपटीशन है। अच्छा नहीं मैंने शायद आपको कीवर्ड सही नहीं बताया, मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। सर वो बैकग्राउंड रिमूवर की एक थी उसमें ना कम थे यानी कि उसमें कम थी वो रिप्लेस बैकग्राउंड जैन से निकल गया। ये देखें रिप्लेस बैकग्राउंड कुछ इसी टाइप का था सर वो मैं जैन से ये निकल रिप्लेस बैकग्राउंड पर सिर्फ 333 गीग्स है। रिप्लेस में हमने ये करना है ना कि कोई कोई लेकिन सर ये वीडियो का है या इमेज का है? किसी का भी हो सकता है, वीडियो का भी है इमेज का भी है। इमेज का मिसाल के तौर पे अब ये जो जो प्रोडक्ट इमेज है वो आप जी इसमें मजीद ये ऐड कर सकते हैं रिप्लेस बैकग्राउंड ऑफ प्रोडक्ट इमेज, ये सिर्फ 3500 है, ये आपके टाइटल में आ जाएगा यानी कि रिप्लेस आई विल रिप्लेस बैकग्राउंड ऑफ योर प्रोडक्ट इमेजेस या योर स्टोर प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक हो गया सर ठीक हो गया, ये आपका टाइटल बन जाएगा। ये 9000 हो गई है लेकिन इसके अंदर जो शॉर्ट की ये जो कीवर्ड्स अलग अलग करके जो है वो आपकी गिग जो रैंक हो जाएगी, और फिर जो ये 9000 अगर आ रहा है तो 9000 में भी आपकी गिग रैंक होगी अगर आपको यहाँ पे काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन सर मुझे वीडियो का बैकग्राउंड मूव करना नहीं आता, इमेज का तो आता है। नहीं तो आपने आपने वही सर्विस देनी है, इसमें जरूरी नहीं कि बैकग्राउंड इमेज वो आपको जो क्लाइंट वो आके कहेगा कि जी उसकी वीडियो की इमेज जो है सॉरी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करें, वीडियो का बैकग्राउंड तभी रिमूव होता है अगर उसका बैकग्राउंड एक होगा, जैसे ग्रीन स्क्रीन वीडियो होती है ना, ग्रीन स्क्रीन वाली तो बना लेती हूँ मैं।
हाँ तो तकरीबन वो अगर क्लाइंट वो कहता है ना कि बैकग्राउंड रिमूव करना, तो वही होती है तकरीबन। ठीक है, वो जिसमें आगे एक करेक्टर होता है और पीछे ग्रीन स्क्रीन रखना होता है, वो मैं बना लेती हूँ, वो आती है। तो उसी तरह जो है वो दूसरे को जो है वो सिर्फ करेक्टर अलग करना होता है वीडियो में से। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। चले, किसी और का कोई सवाल है या इसको वाइंड अप करें? चलिए, क्लास को फिर एंड करते हैं अभी, ठीक है? तो आज कोशिश तो मेरी यही थी कि आप जो ना वो आप लोग अपने अपने सवाल जो है जितने भी हैं इस तरह के फ्रीलांसिंग के मुतालिक है या जो फाइवर के मुतालिक है आपके जहन में आ रहे हैं, तो अच्छे सवालात भी हुए और बीच में जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हुई हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना वो इसको मज़ीद जो है वो आगे जो क्लासेस के अंदर वो क्लियर भी करेंगे, और जो भी आपके जहन में कोई इस तरह की कन्फ्यूजन है वो आप क्वेश्चन एयर किया करें इंशाल्लाह। जो है वो जहाँ तक मेरी मालूम आते हैं मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो सेटिस्फाई करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर, इंशाल्लाह। मैं जी रिक्वेस्ट जी करना चाह रही थी जाते जाते, जी जी वो सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि माशाल्लाह आप तो अब मतलब कि चल पड़े ना, मतलब कि सिलसिले में आगे, सीनियर्स में आगे ना, तो सर अगर आप, मैं ये मेरी रिक्वेस्ट थी कि ये कोर्स हमारा चल रहा है, मतलब चल खत्म हो जाए या इससे पहले, ये जैसे आपको मुनासिब लगे, तो सर कुछ अपनी जो है ना हमें कुछ क्लासेस दें, बेशक आप की फी चार कुछ कर लें, जो आप मतलब के एक्सपर्टीज दे रहे हैं ना फाइबर के ऊपर, मतलब के जैसे डिजाइनिंग के वाले से या जो भी, तो सर अगर कुछ क्लासेस आप हमें दे दें तो उसमें ये होगा कि हम थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी डिजाइन बनाने में और चीजें। अख्तर साहब से बहुत अच्छा सीखा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि क्योंकि आप फॉर्म में कर रहे हैं, तो कुछ अगर आप भी सिखा सके हमें तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी आप अभी तक जो है ना वो मतलब मैंने इस तरह की कोई टीचिंग नहीं की, ठीक है? क्योंकि मैं इसे खुद भी जो है वो पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम नहीं कर रहा। जी सर, तो इसमें यह है कि आप लोग जो है ना अपने डिज़ाइन शेयर किया करें। मतलब इसमें मैंने ये नहीं कहा कि जी फाइवर का ही मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने फाइवर की बातें करनी है। ठीक है तो सर, आप वो ग्रुप में जिस तरह वो शेयर करते हैं, जिस तरह वो उजैर ने भी आज शेयर किया था डिज़ाइन, जी सर, वो तो बड़े अच्छा डिजाइन मेरा ख्याल खालिद साहब ने बनाया था, वो बहुत बहुत प्यारा अच्छा बनाया था, बहुत प्यारा बनाया जो व्यू था। है बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल, ये देखे ना वो, ये वो जो टेम्पलेट्स बने हुए ना, ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कैनवा हो गया या कोई भी बड़ी बड़े जो जितने भी फ्री पिक्स हैं या ठीक है, जी तो या डो पोर्टफोलियो टाइप है, ठीक है? वहाँ पे भी जाके आप या इस पे चले जाए पिंटरेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है? यस लोगों सर, के ठीक बेतहाशा डिज़ाइन्स पड़े हुए हैं और बड़े बड़े अच्छे डिज़ाइनर हैं, ठीक है? है सर, तो उसमें क्या है कि फिर आपको ये चांस होता है कि वो आप उसे देख के आप इंस्पिरेशन लेते हैं। इंस्पिरेशन लेने के बाद जो है जब अपना डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ जी पे फिर काफ़ी हद तक जो है ना वो आपकी बेहतरी आ जाती है, ठीक है? उसमें फिर आप जो है कोई आपको कन्फ्यूजन आती है वो आप शेयर करें, आप पूछें, मुझे मैसेज करके दिखा दें कि भाई ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है या किसी के लिए बनाया है, ठीक है? तो इसमें अगर ठीक है कोई ठीक मज़ीद इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो बता दें। है बाज़ सर, औक़ात ठीक ये होता है कि कई चीज़ें मुझे नहीं आती, ठीक है? मैं आप लोगों जी, के डिज़ाइन देख के जो वो चीज़ सीख लेता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ इस तरह भी हो सकती है। ठीक है तो इस सर। तरह हाँ, इस तरह आपस में जो है वो डिस्कशन से जो है ना वो बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और रह गया, वो जो डिजाइन बनाया था खालिद साहब ने, वो उन्होंने कहा था कि मैंने पिक्सल लैब में बनाया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब फाइबर के ऊपर यानी कि एक क्लाइंट को बना के देंगे, तो वो तो हम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में बना के देंगे ना सोर्स फाइल, तो इसको सोर्स फाइल में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? वहाँ से आप जो है ना वो सारे एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग डाउनलोड कर लें, ठीक है ठीक ठीक है है? जिस तरह कैनवा के ऊपर, कैनवा के ऊपर अगर आपने डिज़ाइन बनाया ना तो जी, उसमें क्या है कि सारे एलिमेंट्स जो है वो बारी बारी जो है वो डाउनलोड कर लें, और ठीक है डाउनलोड करके जो है फिर वो अपने फोटोशॉप के ऊपर जो एडजस्टमेंट उसकी उसी तरीके से कर लें जो आपने वो ऑनलाइन की थी, अगर वो ओके क्लाइंट ठीक एक्सेप्ट कर लिया है तो, ठीक है है? ठीक तो है अगर आपने सोर्स फाइल देनी है
तो फिर आप ये कर ले, अदरवाइज जो है वहां से जो डाउनलोड किया हुआ है ठीक है, उसको आप जो है वो मजीद जो अच्छा रिजल्ट ठीक करना है तो आप पिक विश पे कर लें ठीक है, उसको डाउनलोड करके अच्छी इमेज जो है वो उसको सेंड कर दें बस। पिकविश, वो जो आपने हाँ बताई जी थी वेबसाइट, जी बिल्कुल, उसमें ब्लरी इमेज जो है ना वो जरा बेहतर हो जाती है। पिक्सल्स ठीक हो जाते हैं उसमें। जी, धुंधली तस्वीर जो है ना वो, लेकिन वो बाज़ औक़ात ये होता है जो आपका टेक्स्ट होता है ना वो उसकी शेप वो नहीं रहती ठीक है, वो मतलब कि हाँ थोड़ा सा जी हाँ जी, राउंड फिर राउंड सा उसमें हो क्या जाता है करें। ठीक है। हाँ जी, उसमें क्या करें फिर। उसमें ये कि दोबारा टेक्स्ट आप कर लें, जो जो एलिमेंट्स वहां करना चाह रहे हैं वो कर मतलब लें, पिक्चर्स वहां बना लें और और वो फिर इधर ला के और फिर टेक्स्ट दोबारा बेशक लिख लें इधर, हाँ जी लिख पूरा लें, नाम या लिख अगर मिसाल के तौर पर ऐसा टेक्स्ट है जो आपको मिल भी नहीं रहा, फॉन्ट मिल नहीं मिल रहा है ठीक है, लें। तो जी आप जी क्या करेंगे उसको जो है वो ट्रेस कर लेंगे इसके ऊपर इलस्ट्रेटर पे। पेन टूल्स ऐसा टेक्स्ट कैसे ट्रेस करते हैं पेन टूल से? हाँ जी पेन टूल के साथ, अगर वो उसके ज़रा पिक्सल अच्छे हैं तो आप जी उसको जो है वो जिस तरह बिट पे इमेज जो है उसको जो करते हैं ना ऑटो ट्रेस करते हैं जी जी ठीक जी है जी वो, बिट मैप वाला। हाँ जी, ठीक है ट्रेस वो कर लें ट्रेस अगर टूल हो का। जाता है ठीक है, अगर नहीं तो आपने पेन टूल के साथ उसको ट्रेस करना है। क्योंकि सर वो छोटे मोटी, वो अख्तर सर ने ना ट्रेसिंग सिखाई थी, जैसे कोई बर्ड है या कोई ऐसी मतलब छोटी छोटी चीजें ना, वो बड़ी अच्छी उन्होंने समझा दी थी, वो तो बना लेते हैं छोटी जी छोटी। जी आपने टेक्स्ट को भी सेम पेन तरीके टूल से का उसी तरह करना है, पेन टूल से ही ठीक है, आपने वो पूरा टेक्स्ट लिखा फॉर्मल हुआ है ठीक है, ठीक है। उस पे वो ऊपर ही जो है उसके पॉइंट्स को जो है वो आपने मिलाते जाना है और उसको वही करेक्टर जो है ऐसे ही बना देना है, लेकिन वो ठीक टेक्स्ट नहीं होगा, वो आपका जो है इमेज इमेज की शेप में बन जाएगा। ठीक है। और सर मैंने ये पूछना था कि अगर शटर स्टॉक पे हम अपलोड करते हैं अपने डिजाइन, तो उसके लिए जो पिक्सल है, पिक्सल्स उन्होंने कहे हैं वो 2000 से अबव है, 2000 से पता नहीं, एक उसकी वो बनाई हुई है उन्होंने एक ना डिटेल, तो जी जी सर बिल्कुल कैसे, क्राइटेरिया, यस सर, तो सर वो उसको कैसे करना है, मतलब अगर कोई छोटी पिक्चर है तो उसको कैसे बड़ा करेंगे, थोड़ा गाइड कर देंगे। गाइडलाइन नहीं छोटी पिक्चर नहीं, अगर जो उनकी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको से डिजाइन कम बनाना वाली, होगा। गाइडलाइन से कम अगर कोई पिक्चर है तो उसका वो कैसे हम करेंगे, मतलब वो जो हम लेते हैं साइज, पेज साइज लेते हैं इलस्ट्रेटर पे, या वो हमने उतना रखना है रेजोल्यूशन का जितना उन्होंने बताई है। आप ये देखिए ना, एक मिनट ठहरिएगा, ये मिसाल के तौर पे समझ लीजिए मेजर ठीक है, जी ये अभी जो इमेज साइज है ना ये आपको शो करवा रहा है ठीक है, जी 1600 बाय 2000 ठीक है, 200 इसकी रेजोल्यूशन है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसे कर देता हूँ जी 2600, और इसके रेशो के हिसाब से ना ये 3250 हो गई ठीक है, ये इंक्रीज हो गया। ये आपने सर किधर से लिया है इसका, वो किधर से चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म ये में जाके? फोटोशॉप में इमेज में जाएंगे ना, अच्छा, यहाँ इमेज पे में इमेज जाके। साइज आ जाएगा, एक आ जाता है कैनवास ओके साइज, एक ओके आता है सर, इमेज साइज, ठीक है ठीक है। तो इमेज साइज आप यहाँ से जब इंक्रीज करते हैं जी तो ये आपकी जी इमेज जो है ना वो बड़ी हो जाती है ठीक है। अब ये पिक्सल के अगर हम 100 करते हैं ना जब, जी जी ये देखिए ये तस्वीर है ना, यस सर, अच्छा यही, अगर दोबारा को मैं ओपन करके दिखाऊं, कंट्रोल जेड करता हूँ, ये 100 के ऊपर इतनी थी ठीक है यहाँ पे, और इसको दोबारा जो वापस करें ये इतनी है, ये उसी 100 पे देखें ठीक है।
ये मेरी बड़ी कर दी उसने। हो गई अब 600 हो गए। ये कंप्रेस कर दिया मेरे को, ये 100 पे इतनी है ठीक है, जी हालांकि जी ये जो 16% के ऊपर ये इतनी शो कर रहा था। इसका साइज भी कम हो गया होगा, इसका जो है ना वेट भी कम हो गया हो जी ठीक है सर। ठीक है, और ये पिगलेट भी हो गई है। अब अभी से मैं अगर करीब करता हूँ मजीद, ये देखो ये सर पिग्जिलेट हो रही है वो जेपीटी की वजह से। हाँ जी, ये हमने इसको जो इमेज थी उसको जो है वो बहुत डाउन ले गए ना इसके पिक्सल को ठीक है, और साइज इलस्ट्रेटर को में हम और बता फोटोशॉप में सकते यही हैं। फ़र्क है। अच्छा अगर अच्छा उसके अंदर आप कोई किसी इमेज को छोटा करते हैं ना, या कंट्रास्ट कर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम, रिड्यूस करते हैं या तस्वीर सुकड़ती है ठीक है, तो जी वो पिक्सलेट नहीं होती। यहाँ पे अगर किसी तस्वीर को बड़ा करके और दोबारा हम छोटा करते हैं तो सारी इमेज के जो है पिक्सल खराब हो जाते हैं। लेकिन सर मॉकअप्स तो बनते ही फोटोशॉप में है तो फिर उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता। उसमें एक और चीज़ है ना, यहाँ पे अगर आप इसे कर देते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जी, हाँ जी ठीक है, वो इमेज इमेज साइज को किया था खराब हो गया। अच्छा इसको हम करते हैं इस तरह से, अभी इसको देखते हैं, ये देखें तो ज़्यादा खराब नहीं हुई, यहाँ पे आके खराब हो रही है और यहाँ पे। यानी कि जो जब हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं ना, उसमें कुछ तस्वीर जो है वो काफ़ी जो है मतलब उसको मतलब के साइज छोटा करें या ज़्यादा ही इसको जो है वो मतलब के रीसाइज करें बाद ज़्यादा मरतबा ठीक है, तो फिर जो जो अपना जो रिजल्ट ये ख़राब कर जाती है, अदरवाइज जो है वो कुछ बेहतर ही रहता है। जी ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है। जी जी सर जो शॉर्ट वीडियो एड्स होती है ना, जी जो यानी कि छोटी छोटी जो एड्स प्रोडक्ट के हवाले से जो एड्स बनाते हैं, सर उसमें मैंने ये क्वेश्चन करना था कि अगर जैसे अगर वो बना के देते हैं हम किसी क्लाइंट को, तो उसमें हम AI वॉइस यूज कर लें, कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं होगा? कुछ नहीं लोग कोई अपनी मसला नहीं वॉइस है यूज उसमें, कर क्योंकि जाते हैं। कंटेंट आपका लिखा हुआ होगा। जी ठीक है, कंटेंट हाँ हमारा। वो वॉइस का इशू नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि कंटेंट जो है ना, कंटेंट किसी का कॉपीराइटेड ना हो। सर उसमें अच्छा यानी कि जो हमने डिस्प्ले में कंटेंट दिखाना है उसका कह रहे हैं आप? हाँ जी, डिस्प्ले में भी उसके उसके अलावा जो है वही किसी की वर्डिंग ना बोल रहा हो। ओके ओके ठीक है, जो हमने अपना लिखा है वो बोल रहा हो, जी, ठीक है। मतलब कि इसके कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, हम AI वॉइस कर सकते हैं। सर वो जी जो बिल्कुल। ऑडियो बुक्स होती है उनमें भी फिर इसका मतलब लोग AI वॉइस के साथ कर बना लेते हैं वो ऑडियो बुक्स जो होती हैं जी सर? वो कईयों ने YouTube की वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह जो वो ऑडियो बुक जो आप क्रिएट कर सकते हैं AI की मदद से, तो इसी तरह जो है वो YouTube की वीडियोस भी आप बना सकते हैं ठीक है, उसमें भी AI की वॉइस जो है वो यूज़ करते हैं और वो जो है वो चैनल मोनेटाइज भी हो जाते हैं। अगर कॉपीराइट का इशू हो तो फिर वो मोनेटाइज ना हो। ठीक हो गया सर। लेकिन सर जैसे अगर किसी ने कोई जैसे कि कोई किंडल से बुक उठाई है या कोई लिटरेचर की बुक ली है जो कि ऑलरेडी किसी ऑथर की लिखी हुई है, तो क्या जी उसको भी ऑडियो बुक में कन्वर्ट किया जा सकता है या उसमें वर्डिंग्स चेंज करनी होगी थोड़ी सी? इसका थोड़ा सा कोई आइडिया आपको? नहीं, इसका कभी ट्राई नहीं किया, इसमें ना किसी से सुना है कि इस तरह हो सकता है कि नहीं।
क्योंकि किसी का कंटेंट है, किसी की बुक है, ठीक है, या तो जी आप उसके ऑथर के साथ ही चलेंगे, ठीक है, सिर्फ आप उसको ऑडियो बुक बनाएंगे लेकिन नेम भी उसी का होगा और ऑथर का नेम ही चलेगा, फिर चल सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर तो आप हम उस क्या ऑथर को कुछ भी आप सर्विस दे सकते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली उसे अगर कांटेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई ऑथर है, उसे आप जो है वो इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन के ऊपर सर्च करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो उनका कांटेक्ट मिल जाता है, ठीक है, जी तो आप उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि जो आपकी बुक है मैंने उसको ऑडियो बुक में कन्वर्ट किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये परचेज कर सकते हैं मुझसे, ठीक है ठीक है, सर वो मिनिमम सी प्राइस उनको ज़रा रिजनेबल प्राइस ज़रा उनको बताते हैं, ठीक है, और अगर वो आपके काम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, वो फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपसे ये भी परचेज़ करेंगे, और ये भी हो सकता है मज़ीद जो बुक्स हैं वो भी आपको कहेंगे ये इनको भी ऑडियो में कन्वर्ट कर दें। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलें ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल जो है ना फिर वो किसी अच्छे मौजू के साथ जो है ना फिर इसको शुरू करेंगे अपनी क्लास को, और इंशाल्लाह फिर इस कोर्स को लेकर चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।